इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है भाई, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं कई बार। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, केवल एग्रीकल्चर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे, ऐसे इंस्टीट्यूट जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हो, सभी की बात नहीं करने। ऐसे तो बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हम बात करेंगे उन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स की, उन इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर की जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। केवल वही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स आपको याद करने। देखो, इंटरनेशनल वर्ड जब भी आता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये केवल एक कंट्री के लिए काम नहीं करेंगे या केवल एक कंट्री के अंडर में काम नहीं करेंगे। इंटरनेशनल का मतलब हो गया कि इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्री हैं, सबके लिए काम करेगा ये। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स चूँकि किसी पर्टिकुलर एक कंट्री के लिए काम नहीं करता, तो ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको कंट्रोल भी कोई एक कंट्री नहीं करेगी। मतलब इनके लिए गवर्निंग बॉडी अलग से बनाई जाएगी। जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको कौन गवर्न करेगा, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन कौन बनाएगा, कौन उनको फंड देगा, कौन उनके कंस्ट्रक्शन करेगा, कौन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, इन सब चीज़ों के लिए एक अलग से गवर्निंग बॉडी बनाई है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हमारे इंडिया के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर्स हैं, वो सब किसके अंडर में आते हैं? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में। ठीक उसी तरह से वर्ल्ड में जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब के ऊपर भी एक गवर्निंग बॉडी है जो सभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स को कंट्रोल करती है। उस गवर्निंग बॉडी का क्या नाम है? उसे हम कहते हैं CGIAR। क्या कहा जाता है उसको? CGIAR पूरा नाम है इसका, कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। पूरा नाम क्या है इसका? कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। ये वो गवर्निंग बॉडी है, जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं सबको यही कंट्रोल करती है। और इसका गठन हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1971 में। ठीक, किसने इसका गठन किया? यहाँ पर तीन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, तीन इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जिन्होंने इसको बनाया, जिन्होंने इसको फंड दिया। वो तीन इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ कौन कौन सी हैं? एक तो है FAO। FAO क्या है भाई? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एक तो हो गया FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। दूसरा है वर्ल्ड बैंक और तीसरा है UNDP। ये UNDP क्या होता है? UNDP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये तीन बॉडी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और UNDP। इन तीनों ने ही मिलकर 1971 में इस CGIAR का गठन किया। जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए, ये जो CGIAR है, ये सिर्फ एग्रीकल्चर के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स को कंट्रोल करता है, बाकी के दूसरे इंस्टीट्यूट्स को ये कंट्रोल नहीं करता। अब इसका गठन कब हुआ? 1971 को। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका? 1971 में। लेकिन कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो 1971 से पहले ही बन चुके थे, तो उनको कौन कंट्रोल करता होगा? इसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप सभी जानते हो, जिसका नाम है IRI। क्या होता है इसका पूरा नाम? इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और आप सभी जानते हैं यह है कहाँ पर? फिलीपींस में। ठीक है भाई, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? फिलीपींस में। और इसका एस्टेब्लिशमेंट, इसका गठन हुआ था 1960 में।
यानी कि 11 साल पहले ही हो गया था। ये ठीक वैसा ही हो गया जैसे कि इंडिया के अंदर IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1905 में बन गया था, जबकि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वो बना था 1929 में। ये भी ठीक वैसा ही है IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1960 में बन गया था, ठीक है, जबकि इसको कंट्रोल आज प्रेजेंट में ये किसके अंडर में आता है, CGIAR वो बना था इसके बाद में। तो उस वक्त जब CGIAR नहीं था, ये 1960 के वक्त में इसे बनाया किसने, किसने इसके लिए फंड इकट्ठा किया, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल है, कोई एक कंट्री तो बनाएगी नहीं, इसमें तो बहुत सारी कंट्री शामिल होंगे, तो ये किसने बनाया, क्वेश्चन ये है सबसे इम्पॉर्टेंट। इसको बनाया था, दो फाउंडेशन है उस वक्त की, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है, एक है फोर्ड फाउंडेशन, नाम आप लोगों ने सुना होगा, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, नेट पे आप लोग सर्च कर लेना, और एक दूसरी फाउंडेशन है रॉकफेलर फाउंडेशन, इसका भी आपने बहुत नाम सुना होगा, नहीं सुना तो आप देख लेना, बहुत काम किया है इन्होंने, बहुत डोनेशन दिया है। फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन, ये दो ऐसी फाउंडेशन हैं जिन्होंने इस इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट को पैसा दिया, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और इसको डेवलप किया, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है ये किसके लिए है, ये है ट्रॉपिकल राइस के लिए, ट्रॉपिकल राइस के इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद एक इंस्टीट्यूट और देखो, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, CIMMYT जिसको हम कहते हैं सिमिट। ये जो CIMMYT है ना, इसका जो फुल फॉर्म है वो तो मैक्सिकन लैंग्वेज में है, वो बड़ा अजीब सा नाम है इसका, सेंट्रो इंटरनेशनल मेजरोमिंटो मेज वाई ट्राइगो, इस तरह का कुछ नाम है, तो वो आपको याद नहीं रखना, आपको तो इसका इंग्लिश नेम याद रखना है। और इसका इंग्लिश नाम क्या है, इंग्लिश नाम है इसका इंटरनेशनल, ध्यान रखना सिमिट, जबकि देखो यहाँ पर क्या था, आई फॉर इंटरनेशनल, आर फॉर राइज, आर फॉर रिसर्च, आई फॉर इंस्टीट्यूट, यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सिमिट है ये तो कुछ और ही है, ये सिमिट जो है वो मैक्सिकन लैंग्वेज में है, तो मैक्सिकन लैंग्वेज का आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखना है इंग्लिश में, तो इंग्लिश का इससे मैच नहीं करेगा, वो आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। तो इसका इंग्लिश नेम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट, क्या नाम है इसका इंग्लिश में, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट, ठीक है भाई। और ये बना था अपना 1966 में, ठीक 6 साल बाद, यानी कि CGIAR से पहले ये बन गया था। ये सिमिट याद करो, ये सिमिट कहाँ पर है तो मैक्सिको में, ये तो याद ही है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसी सिमिट में तो काम करते थे हमारे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो यहीं से तो जुड़े थे, सीमेंट से ही तो सबसे पहली बार हमारे इंडिया के अंदर आपका सेमी ड्वार्फ वीट आया था, जिसमें आपका 614 सेग्रीगेटिंग लाइन थी, लर्मा रोजा मायो 63, सोनारा 63, 64, ये कुछ वेराइटीज़, इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ जो इंडिया के अंदर प्राइमरी इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, वो यहीं इसी सीमेंट से आई थी, ठीक है, जिसका इंग्लिश नेम क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट, 1966 में बनकर तैयार हो गया था। और इसको भी किसने बनाया था, सेम फोर्ड फाउंडेशन एंड रॉकफेलर फाउंडेशन, ध्यान रखना ये अलग अलग नाम है, फोर्ड फाउंडेशन अलग है और रॉकफेलर फाउंडेशन अलग है। तो फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन ने सिमिट का भी गठन किया था 1966 में। ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनाया, इसका मेन मुद्दा क्या था, क्यों बनाया गया, ये बनाया गया था अपने वीट और मेज के लिए, वीट और मेज के डेवलपमेंट के लिए। आज हम प्रेजेंट में बात करें तो यहाँ पर 3 क्रॉप और हैं जिनके ऊपर भी काम चलता है, और वो 3 क्रॉप कौन कौन सी हैं, एक तो है ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल आप सभी जानते हो, फर्स्ट मैन मेड सीरियल है, इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे पहला सीरियल यही है ट्रिटिकेल, जिसमें वीट और राई दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, उसको बाद में देखेंगे ट्रिटिकेल। दूसरा है यहाँ पर बारले, बारले के ऊपर भी काम होता है, और तीसरा है सॉर्गम। ये 3 क्रॉप और हैं जिनके ऊपर यहाँ पर सिमिट में काम चल रहा है, मुख्य मेन क्रॉप कौन सी है, एक तो वीट और दूसरी मेज, इन तीनों के ऊपर भी काम चलता है यहाँ पर, ठीक, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। सिमिट हो गया, अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर के लिए बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है 2017 में नेट ICAR नेट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का जो नेट एग्ज़ाम था उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूजिंग है, बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। यहाँ पर दो इंस्टीट्यूट हैं, दो रिसर्च सेंटर हैं इंटरनेशनल लेवल के ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर से, ठीक है। ये जो दो एक तो आपका है CIAT, एक का नाम क्या है CIAT और दूसरा का नाम है IITA। ये जो CIAT है ये भी अलग लैंग्वेज में है, लेकिन इसका इंग्लिश नाम क्या है? इंग्लिश नाम है इसका इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ठीक है। और इसका क्या है? इसका तो एज इट इज इसी से आएगा, आई फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। देखो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही सेम है। ये भी ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर के लिए, वो भी ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर के लिए, बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये सेंटर है और ये एक इंस्टीट्यूट है। तो सेंटर इंस्टीट्यूट क्या है? एक ही बात होती है भाई, आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना। आप याद कैसे करोगे? एक तो शॉर्ट फॉर्म में भी क्या आ रहा है सी, और उसके नाम में भी क्या आएगा सेंटर, और ये जगह कौन सी है? कोलंबियो, ठीक है। तो जगह में भी क्या आ रहा है सी, सी फॉर सेंटर, सी फॉर CIAT। इस तरह से आप याद रखना, नाम क्वेश्चन कहाँ से आता है? इस जगह के नाम से, कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कहाँ पर है, या डायरेक्ट ये पूछ रहे थे CIAT कहाँ पर है, तो वह है कोलंबियो। और ये जो है ये है नाइजीरिया के अंदर, ठीक है। तो हम इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि नाइजीरिया में कौन सा है, ये वाला या ये वाला। तो याद करने का तरीका यही है, सी फॉर CIAT, सी फॉर सेंटर, सी फॉर कोलंबो। अगर आपको ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर के लिए सेंटर पूछा जाए तो सी फॉर सेंटर मतलब सी फॉर कोलंबियो उसका आंसर होगा, इंस्टीट्यूट पूछा जाए तो आंसर उसका होगा नाइजीरिया। ये जो CIAT है ये किसके ऊपर काम कर रहा है? ये बेसिकली काम कर रहा है एक तो वीन्स के ऊपर और दूसरा कसावा के ऊपर, ठीक है। वीन्स और कसावा दो क्रॉप हैं, इनके इम्प्रूवमेंट के ऊपर ये काम करता है। इसके अलावा ये जो CIAT है वो पास्चर मैनेजमेंट पर भी रिसर्च कर रहा है। पास्चर मैनेजमेंट ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पास्चर मैनेजमेंट के अलावा ये फार्मिंग सिस्टम पर भी वर्क कर रहे हैं, फार्मिंग सिस्टम पर भी ये काम कर रहे हैं। वहीं IITA की बात करें, ये किस क्रॉप के लिए काम कर रहा है? ये काम कर रहा है काउपी के लिए, ये काम कर रहा है सोयाबीन के लिए, ये काम कर रहा है बनाना के लिए, ये काम कर रहा है याम के लिए और कसावा के लिए। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप हैं जिनके ऊपर यहाँ पर रिसर्च चलती है IITA में। रिसर्च इन क्रॉप के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से गलत होता है, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर ये भी है और ये भी है, बस ये इंस्टीट्यूट है और ये सेंटर है, यही एक डिफरेंस करने का अंतर है। सी फॉर सेंटर, सी फॉर कोलंबियो और ये अपना नाइजीरिया है, ठीक है भाई। ये दोनों इंस्टीट्यूट बने थे 1967 में, ठीक है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर ये भी 1967 में बना था, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर ये भी 1967 में बना था। और इन दोनों को भी किसने बनाया, इन दोनों को भी किसने बनाया था फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन, इन दोनों संस्थाओं ने इन दोनों को बनाया था, ठीक है। अब देखो ये तीन चार इंस्टीट्यूट तो ऐसे हैं जो कि CGIAR से पहले बन गए, इसके बाद गठन हुआ फिर CGIAR का। बात कब तक पहुंच गई? 1967। इसके बाद फिर CGIAR बना, कब? 1971 में। ये जो CGIAR 1971 में बना, इसी ने सबसे पहला इंस्टीट्यूट कौन सा बनाया? यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई ये तब तो CGIAR से पहले के हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट किसने बनाए थे? जैसे कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बनाया फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन ने, सिमिट किसने बनाया? फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन ने। बाद में आपका CIAT और IITA ये भी किसने बनाया? फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन ने। CGIAR 1971 में इसने सबसे पहला इंस्टीट्यूट कौन सा बनाया? इसने बनाया था CIP। क्या बनाया इसने? CIP। क्या मतलब है CIP का? ये जो CIP है ये भी एक अलग लैंग्वेज में ही है, हमको इसका इंग्लिश नेम याद रखना है। इंग्लिश नेम है इसका इंटरनेशनल
सेंटर फॉर पोटैटो कहाँ पर है ये? ये है पेरू में, इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो ये कहाँ पर है? पेरू। हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो बताओ पोटैटो का नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर नेशनल सेंटर पोटैटो के ऊपर कहाँ पर है? कुफरी शिमला के अंदर। वहीं इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो वो है पेरू में। ये सबसे पहला इंस्टीट्यूट था जो CGIAR ने बनाया, कब? 1971 में, ठीक है। यहाँ पर किस क्रॉप के ऊपर काम होता है? एक तो पोटैटो और दूसरा स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो के ऊपर भी यहाँ पर काम चलता है, दोनों के ऊपर रिसर्च चलती है। पोटैटो और स्वीट पोटैटो का सबसे ज़्यादा जो जेनेटिक आपका वो है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन है, वो सबसे ज़्यादा यहीं पर है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो पेरू, ठीक है। इसके बाद बात आती है 1972 की, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 1972 क्या हुआ? 1972 में हमारे इंडिया के अंदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनाया गया। बताओ कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर? ICRISAT। कहाँ पर है ये? ये है हैदराबाद के अंदर। पूरा नाम क्या है ICRISAT का बताओ भाई? पूरा नाम है इसका इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, ठीक है। ये किन क्रॉप के ऊपर काम करता है? ये काम करता है सॉर्गम के ऊपर, ठीक है। ये काम करता है बाजरा के ऊपर, ये काम करता है अपना चने के ऊपर, ग्राम के ऊपर, ये काम करता है अपना पर्ल मिलेट के ऊपर। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पर्ल मिलेट। कई सारी वैरायटी भी बनाई है ICRISAT हैदराबाद में, ठीक है। ये जो ICRISAT हैदराबाद में 1972 में बना था, ये भी CGIAR ने ही बनाया, ठीक है भाई, याद रखोगे। इसके बाद और आगे बढ़ो, अपन इसको मिटा देते हैं, पूरा ही मिटा देते हैं, चलो। अब जितने भी इंस्टीट्यूट बनने हैं वो सबकी सब CGIAR के द्वारा ही बनने हैं। फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन का काम खत्म, और जो इंस्टीट्यूट फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन ने बनाए थे वो भी अब CGIAR के अंडर में आ गए हैं, यानी कि IRRI सीमेंट और आपका CIAT और IITA, ये चारों इंस्टीट्यूट भी CGIAR के बनने के बाद उसी के अंडर में आ गए थे। फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन से उसका अधिकार किसके पास आ गया? CGIAR के पास, ठीक है। तो 1972 में कौन सा बन गया अपना? ICRISAT, ठीक। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट और अपडेटेड भी है, 1974 की बात है। 1974 में एक इंस्टीट्यूट बना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट IBPGR, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। कहाँ पर है ये? ये बना इटली के अंदर, ठीक है। ये याद रखना, 1974 में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस कहाँ पर बना? ये इटली के अंदर। बाद में 1991 में, ध्यान रखना 1991 में इसका नाम चेंज कर दिया, IPGRI। क्या नाम रख दिया इसका? IPGRI। इसका मतलब है इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। जगह वही की वही है, इटली, ठीक है। 1991 में इसका नाम बदल दिया। फिर उसके बाद 1991 से इसका नाम फिर बदला 2006 में। अब 2006 में इसका नाम रख दिया बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल। ये इसका करेंट नाम है, तो ये आप लोग याद रखना, ये अपडेट हो चुका है। 1974 में जब ये बना था तब इसका नाम था IBPGR, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। दुनिया के जितने भी प्लांट के जो जर्म प्लाज्म है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। बाद में 1991 में इसका नाम बदल कर रख दिया IPGR, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट। जगह वही है, इटली, ठीक है। फिर 2006 में इसका नाम फिर से बदल दिया बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल, ठीक है। ये बात कब की हो गई? 1974 की, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं
1976 की, यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है और वो है इकार्डा। इकार्डा क्या नाम है इस इकार्डा का, फुल फॉर्म बताओ। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या फिर ड्राई एरिया, सिंपल लिख दो आप। तो इकार्डा का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया। 1976 में ये बन गया था और कहाँ बना था, ये बना था आपका सीरिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट क्या है, ड्यूरम वीट पर यहाँ काम होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ड्यूरम वीट के ऊपर काम करने वाला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो वो है इकार्डा। ड्यूरम वीट के अलावा लेंटिल के ऊपर भी यहाँ काम होता है, लेंटिल के ऊपर भी ये इंस्टीट्यूट रिसर्च करता है, ठीक है। 1976 में ये बन गया था। उसके बाद अपन बात करें, एक है आपका इंटरनेशनल सेंटर, ये इम्पोर्टेंट बता दिए, अब बस पढ़ लो, सिंपल दो चार और हैं। इंटरनेशनल एक है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये है इटली के अंदर। बाद में इंडिया में भी इसका हेड क्वार्टर बनाया है, इंडिया में कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। कब बनाया, 1987, ठीक है, ये आप लोग याद रखना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी हाँ ठीक है, एग्रीकल्चर या इसको लिखो जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक एग्रीकल्चर को उठाई देते हैं, कन्फ्यूजन क्यों रखना भी बजा। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ये इटली में है, और बाद में इंडिया में भी इसका हेडक्वार्टर बना न्यू दिल्ली में 1987 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा फिर एक है आपका एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये है ताइवान के अंदर। नाम याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, क्या नाम है, इंटरनेशनल वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ताइवान के अंदर है। फिर इसके बाद एक है आपका सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च, सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च, ये है इंडोनेशिया के अंदर, ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट थे ईयर वाले, इन पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ये तो आप याद रख रखना। नीचे वालों में एक एशियन वाला याद रख लेना, इस पर क्वेश्चन आता है, एशियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ताइवान में है, और एक सेंटर फॉर द इंटरनेशनल, इस पर रिसर्च अभी तक क्वेश्चन तो नहीं आया, फिर भी इसको दिमाग में तो रखना है। इसके अलावा एक है आपका IWMI, एक है IWMI, इसका है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये आप याद रखना, ये है कोलंबो श्रीलंका के अंदर, ध्यान रखना। उससे पहले हमने एक पढ़ा था कोलंबिया, वो कोलंबिया अलग है CIAT, ये कोलंबो श्रीलंका, ये अलग है, ठीक है। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कोलंबो श्रीलंका, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा और देखो तो कोई सा रह गया है, तो इसमें से एक रिसेट हो गया, IVPGR हो गया, इकार्डा हो गया, एशियन वेजिटेबल रिसर्च सेंटर हो गया, और कौन सा रह गया है, हाँ एक है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है आपका वॉशिंगटन, ये है वॉशिंगटन DC USA के अंदर, ठीक है। इतने सफिशिएंट हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको आप याद कर लेना, ठीक है। ये जो लास्ट के मैंने बताए थे, ये भले ही याद करो ना करो, लेकिन यहाँ तक के ये जो मैंने ईयर वाइज बताए हैं, ये तो याद कर ही लेना, और किस
इंस्टीट्यूट में किस क्रॉप पर काम हो रहा है ये भी दिमाग में रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये अपना एक और अच्छा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। कोई इसमें प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना, कुछ अगर एक आधा इंस्टीट्यूट छूट गया हो तो वो भी पूछ लेना, ठीक।